और 40 दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। जांच होगी। हमने कहा कि पॉक्सो धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? क्या आने वाले टाइम पे कानून में ये संशोधन करेंगे कि जिस पे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? ये तो कानून ही बना दो, ये गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। से खाद बढ़ती और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये व्यक्ति किस जाति के थे? जिस टाइम पे अपना लड़ाई आ रही थी, इस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी, योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जाति तो ऐसे उनकी भी कोई जाति, अगर ठाकुर समाज गुजरों को कहला भाई वो मारा था तो भाई बड़ा कुंभा होगा, इधर दूसरी बिरादरी को भी जोड़ो तो कुंभा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार यहां परिवार तोड़ दिया था, आके गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाते हो बांटे के किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना लेके। जब ये वहां पे पदक लेकर आए, इनने कोई अपना बोर्ड लगा रखा था? ये नेशनल फ्लैग लेके गए थे वहां पे, तिरंगे का ही विदेश में सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता। हम भी करीब 24-25 देशों में गए तो हमको भी जो पहचान मिलती है वहां पे नेशनल फ्लैग होता है, इसे पहचान मिलती है कि हम इंडियन हैं, हम भारत के हैं। हम अपना झंडा लेके जाए तो उसकी कोई पहचान नहीं है, हम भी अपना नेशनल फ्लैग लेके जाते हैं। इन पे एलिगेशन ना लगाओ, ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे? वे हताश हैं, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में, तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनका गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश, उनको हताश होने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन, ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे, न्याय नहीं मिलता तो हम कल अयोध्या में भी गए थे, वहां पर भी बहुत पत्रकार बंधु वहां पर भी मिले हमको, हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए वहां पे भी मिले, सब संत महात्मा आपके साथ में है। जो राम मंदिर बन रहा उसके दर्शन करने गए वहां पे भी लोग मिले, पुलिस फोर्स से लगा के और अधिकारी जितने भी संत महात्मा हैं सब अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख में मीटिंग कर रहे हैं, हम भी मीटिंग करेंगे, हमारे भी यात्राएं निकलेगी। ट्रैक्टर कोई किराए के जा रहे हैं क्या? मीटिंग होगी, हमने पहले भी कहा था जब हम महम में गए, एक खाप खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रोवाइड करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन जो मेडल हैं और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी, जब बड़ा श्रेय जाएगा क्या भारत को? ये निर्णय भी यहां पे हुआ है कि राष्ट्रपति जी से, होम मिनिस्टर से, जिन जिन से मिल रहा होगा, एक कमेटी हमारी खाप चौधरी की बनेगी, इनके साथ में हम रहेंगे और हम पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। और कल वहां पे कुरुक्षेत्र में जो और फैसले हुए उन लोगों की सबकी सलाह से अपने फैसले कल वहां से डिक्लेरेशन करेंगे।
करेंगे मिटेंगे, जाएंगे हम समाज के बीच में जाएंगे, जहां जहां वो मीटिंग करेगा क्या ये बच्चों को उनको वहां पर लेकर भी जा सकते हैं, ये घोषणा भी कर सकेंगे। अगर वो 5 तारीख की मीटिंग कर रहा है ये सारे बच्चों को लेकर हिंसे लोग लेकर चले तो उस मीटिंग में चले और वही निर्णय ले ले जो संत महात्माओं की मीटिंग है उसी में ही निर्णय ले ले, उन्हीं पे हमने छोड़ दिया निर्णय ले लो कि आप अत्याचारियों के साथ में है या आप इंसाफ के साथ में है, क्या वो ठीक रहेगा? काम करने को बहुत है, अब वो उन बच्चों का काम नहीं, हमारा सब समाज का काम है। वहां से वे उठ गए हैं घर से, आंदोलन चलते रहते हैं, हटते रहते हैं। टिकैत साहब 350 बार जेल गए, बहुत आंदोलनकारी हैं जो बहुत बार जेल गए, तो जेल भी आंदोलन का हिस्सा है। हमारे 3 बार झोपड़ी उखाड़ दी, थाने में बंद कर दिया, धरना वहां पर चल रहा, 2.5 साल हो गए, नया रायपुर बन रहा, तो कोई आंदोलन कोई एक जगह चल रहे, किसान आंदोलन भी सबके खिलाफ है। आपके साथ में इस पार्टी के लोग भी हैं जिनकी सरकार है, चिंता करने की बात नहीं, वे कह रहे कि हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, आपके साथ में हटना है नहीं, हटना है नहीं है साथ में। अरे मैं कहा मीटिंग में कह रहे मारा इलाज कर दिया, किसी का पंप है किसी की फैक्ट्री चल रही, वे तो भाई पंप और फैक्ट्री वालों को उतार रहे, लड़ाई लड़ जाएगी। पत्रकार बंधुओं से भी है कि भाई वे बालक है, वे आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलन तो ये समाज लड़ेगा, उन्होंने 40 दिन चला दिया, उनका धन्यवाद है, ये पत्रकार लड़ेंगे आंदोलन, ये देश लड़ेगा और जीत होगी। ये अपमान जो है महिलाओं का अपमान है, देश के तिरंगे का अपमान है, इसी स्लोगन के साथ में हम देश भर में जाएंगे। अभी जो भी और वक्ता रह रहे हैं वे बोलेंगे और मीटिंग का समापन हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही, जो भी प्रेस के लोग होंगे वो फिर बाद में आके बातचीत कर सकते हैं, अभी तो सामने रहे हैं, और लोग भी जो होंगे वे बोलेंगे, हो गए होंगे अभी।